एक के बाद एक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं, फिर स्टार्टअप तो अपने आईपीओ के लिए फाइल कर रहे हैं, और उधर हमारी इंडिया की रिच लिस्ट बड़ी होती जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान, और इस वीडियो में हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी न्यूज है कि इंडिया थर्ड मोस्ट वैल्यूबल स्टार्टअप, जिनका पिछले फंडिंग राउंड में वैल्यूएशन 9 बिलियन डॉलर्स था, मैं ओयो की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना आईपीओ फाइल कर लिया है। तो उनसे रिलेटेड तीन मेन पॉइंट। पहला ये कि यार ओयो इस आईपीओ में 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी 8,430 करोड़ रुपीज रेज कर रहा है, जिसमें से 7,000 करोड़ वो फ्रेश शेयर सेल्स के थ्रू करेगा, बाकी उनके जो कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जैसे ग्रैब, सुनील बुंजल, थोड़ा बहुत सॉफ्ट बैंक भी शेयर्स बेचेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यार ओयो के फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है, काफ़ी लॉस में है। मार्च 2021 तक उनको करीब 3,900 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, उससे पिछले साल उनको 12,800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। तो आप बोलेंगे भैया अच्छी बात है ना, लॉस कम हुआ है, पर ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, और जो इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि चाइना यूएस में फोकस कर रहे थे वो भी अब काफ़ी कम कर दिया है। तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, मार्च 2021 तक जो साल खत्म हुआ है उसमें 4,100 करोड़ का रेवेन्यू है, और उससे पिछले साल 13,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा रेवेन्यू था, मतलब जितना लॉस है उतना ही रेवेन्यू है। और तीसरा मेन पॉइंट है कि उनके सीनियर लीडरशिप टीम की अगर हम सैलरी डिस्कस करें, रितेश अग्रवाल की सैलरी पिछले साल 21 लाख रुपए थी, जो कि मार्च 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर में बढ़ के 1.6 करोड़ रुपीज़ हो गई है, और उनके जो CTO है उसकी सैलरी 1.2 करोड़ रुपीज़ है, और उनके ग्लोबल CEO की सैलरी 4.5 करोड़ रुपीज़ है, और CFO जिनका काम है कि देखे कि भैया सही से पैसे मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, उनकी सैलरी 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि यार ओयो के आईपीओ में आप पार्ट लेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हुरुन ने अपनी इंडिया रिच लिस्ट 2021 रिलीज़ कर दी है, और एज यूजुअल जो कि पिछले 10 साल से रिचेस्ट थे वो अभी हमारे मोटा भाई अंबानी अभी भी टॉप पे हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं गौतम अदानी एंड फैमिली। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार 2020 में जब दुनिया भर में पैंडमिक चल रहा था, गौतम अदानी का ऑन एवरेज हर दिन नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ रहा था। तीसरे नंबर पे आते हैं शिवनाथन एंड फैमिली, जो कि फाउंडर हैं HCL के। और अगर आप देखेंगे कि यार सबसे ज़्यादा अमीर लोग किस सेक्टर में बने हैं, सबसे ज़्यादा फार्मा सेक्टर में बने हैं। दूसरा नंबर काफ़ी चौंका देने वाला है, क्योंकि केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा अमीर लोग बने हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अपना सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। यंगेस्ट सेल्फ मेड इंसान जो कि इस लिस्ट में है वो है 23 साल के शाश्वत नाकरानी, जो कि भारत पे के को फाउंडर हैं। आपको पता ही है भारत पे ने कितनी फंडिंग रेज करी है, और अगर वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एज ज्वाइनिंग बोनस BMW बाइक्स दे रहे हैं तो भैया को फाउंडर्स तो अमीर होंगे। अब एक चीज़ तो इन सबसे क्लियर है कि यार चाहे पैंडमिक हो या कुछ, अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यार हम भी अपने लेवल को अप कर सकते हैं। क्या आपको उस स्टार्टअप के बारे में पता है जिनका 2021 के पहले 6 महीने में 7,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लॉस हो और रेवेन्यू पूरा शून्य हो? मैं बात कर रहा हूँ EV स्टार्टअप रिवियन की, जिनको Amazon फोर्ड मोटर से फंडिंग मिली हुई है, और उन्होंने पहले 6 महीने में 1 बिलियन डॉलर्स खर्च तो कर दिए, पर अभी तक उन्होंने एक भी गाड़ी बेची नहीं है। वैसे वो इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बना रहे हैं, जो कि अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि कई सारे यूट्यूबर्स रिव्यू कर रहे हैं, मतलब वो बहुत जल्दी मार्केट में अपना इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक लेके तो आएंगे, बट तब तक पता नहीं और कितना ज़्यादा उनको लॉस होगा। अब देखो यार Amazon ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है, और मोस्ट ऑफ द फील्ड में वो मार्केट लीडर है, पर एक जगह जहां Amazon का रीच नहीं है वो है गेमिंग सेगमेंट में। और वैसे गेमिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और Amazon काफ़ी टाइम में इस सेक्टर में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, बट हमेशा उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पिछली बार जब उन्होंने अपना क्रूसिबल गेम कैंसिल किया तो कई सारे रिपोर्टर ने बोला कि यार Amazon हर चीज़ कर सकता है पर अच्छा गेम नहीं बना सकता है। बट अब 8 महीने बाद उन्होंने रिसेंटली अपना नया गेम न्यू वर्ल्ड लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल ही सुपर डुपर हिट है। स्टीम में भी उसके पीछे लोग पागल हो गए हैं, और जेफ बेजोस ने अमेज़न गेम स्टूडियोज़ को अप्रिशिएट किया है। बट इससे हमें पता चलता है कि यार ऐसा नहीं है कि यार अमेज़न जो भी करती है उसमें सक्सेसफुल हो जाती है, उनको भी बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, बट वो फीडबैक लेके अपने आप को इम्प्रूव करके कंसिस्टेंटली मेहनत करके फिर सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, आप सब स्विगी से क्या ऑर्डर करते हैं, मतलब खाना, ग्रॉसरी, चिप्स, बिस्किट, ये सब ऑर्डर करते होंगे। एक गैंग ने सोचा कि क्यों ना हम गांजा को होम डिलीवर कराएं स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को यूज़ करके। तो NCB ने अब कर्नाटक में ऐसे गैंग को पकड़ा जो कि स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू गांजा को होम डिलीवर करवाते थे, और पैंडमिक में इनका ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, और अब उनके पास से 140 किलो गांजा भी मिला है।
और यार जुगाड़ करना चाहिए, पर ऐसे गलत जुगाड़ थोड़ी करना चाहिए। आपको पता है कि ट्विटर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अभी रिसेंटली आनंद महिंद्रा ने एक 21 साल के बच्चे प्रेम, जो कि इम्फाल से हैं, उनका एक वीडियो देखा जिसमें से उन्होंने स्क्रैप यानी कबाड़ मटेरियल से एक आयरन मैन का सूट बनाया। तो उसको देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए आनंद महिंद्रा कि उन्होंने बोला कि यार उनके जो चीफ डिज़ाइन ऑफिसर हैं वो प्रेम को मेंटर करेंगे, और जो महिंद्रा ग्रुप है वो प्रेम और उनके जो भाई बहन हैं उनका पूरा एजुकेशन का ध्यान रखेगी। तो होपफुली अभी उन्होंने बात कर ली है, होपफुली ये जो प्रेम है आगे जाके कई सारे इनोवेशंस करेंगे। और अब हम थोड़ा बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। आज क्रिप्टो का प्राइस तो यार इस हफ्ते पंप हो गया है, बिटकॉइन का प्राइस करीब 7-8% बढ़ गया है, अब $47,000 क्रॉस कर चुका है। इथेरियम का प्राइस तो ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया है और $3,300 क्रॉस कर गया है। वैसे आप में से कितने लोगों ने डिप में बाय किया है और कौन कौन से कॉइन्स बाय किए कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी रिसेंटली एलन मस्क ने बोला है कि यार गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को बैन तो नहीं कर सकते हैं, बट जिस स्पीड से क्रिप्टो करेंसीज ग्रो कर रहे हैं वो स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर सकते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब हम फंडिंग न्यूज़ में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से नए नए स्टार्टअप्स इस हफ्ते यूनिकॉर्न बने। 25 दिन में पैसे डबल करना तो मुश्किल है, पर 6 महीने में स्टार्टअप का वैल्यूएशन ज़रूर इंडिया में डबल हो रहा है। तो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने अभी अपने सीरीज एफ राउंड में $570 मिलियन की फंडिंग रेज करी है $4.9 बिलियन के वैल्यूएशन पे। अभी 6 महीने पहले ही अप्रैल को मीशो यूनिकॉर्न बना था और तब उनका वैल्यूएशन $2.1 बिलियन था। पर जैसे कि आपको पता है कि यार पैंडमिक चल रहा है और ये जो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है जिसमें मीशो मार्केट लीडर हैं, और तभी उनकी भी ग्रोथ हुई और तभी उनको इतनी ज़बरदस्त फंडिंग मिली है। उधर ओला इलेक्ट्रिक ने एक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर नहीं किया है, पर सॉफ्टबैंक और दूसरे इन्वेस्टर्स ने अभी $200 मिलियन फंड किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, और अब उनकी वैल्यूएशन $3 बिलियन हो गई है। वैसे अभी जो पहला परचेज विंडो था उसमें ओला ने बताया कि यार उन्होंने $150 मिलियन के स्कूटर्स बेचे हैं, होपफुली बहुत जल्दी स्कूटर मार्केट में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार 25 साल में पैसे तो नहीं डबल हो रहे हैं, बट इस साल कई सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन डबल हो जा रहे हैं। तो गुड़गांव बेस्ड B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस ने $200 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे, और वैसे वो इसी साल यूनिकॉर्न बने थे पर पैंडेमिक में उनकी भी ग्रोथ हुई है तो अब उन्होंने फिर से फंडिंग रेज कर ली। अच्छा, अब एक नया एडटेक यूनिकॉर्न भी आ गया है, तो वेदांतु ने $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे, और अब वो इंडिया के 5th एडटेक यूनिकॉर्न बन गए हैं। वैसे इससे पहले बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड और एरोडिटस तो यूनिकॉर्न बन ही चुके थे, अब वेदांतु भी बन गया है। देखते हैं कि इस फंडिंग की मदद से वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को जरूर लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।